पिक्चर पूरी काली और प्रभास आवला है, आई डोंट नो व्हाट टू से मोर। क्लैश की मैं पहले बात करूँ, डंकीज डिजास्टर सलारी सुपर हिट मूवी, डंकी देखी इसलिए तो बोला डंकीज डिजास्टर, सबके रिकॉर्ड तोड़ दी गई, सबके रिकॉर्ड विद द पब्लिक थी 68-70% ही, शाम को हाउसफुल हो जाएगा पूरा शो, हाउसफुल। मेरे को तो बस जरा पसंद नहीं आई, ए सर्टिफिकेट फॉर व्हाट रीजन, अच्छा लगा प्रभास, अच्छी है, एक नंबर मूवी। किसी को पूछो स्टोरी क्या है स्टार्ट टू एंड, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ प्रशांत नील बता सकता है कि इसमें फिल्म में स्टोरी क्या है। 3 घंटे की पिक्चर बनाई गई है, 3 घंटे की जरूरत है नहीं, इतना कच्चा होता है, इतना सारा स्लो मोशन सीन्स दिखाया गया, व्हाई? क्लाइमेक्स में दिखाया कि पार्ट टू आने वाला है, भाई पहले तो चलने दो उसके बाद पार्ट टू बनाओ, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, हर कोई राजामौली नहीं होता है। अच्छी अच्छी है पिक्चर, अच्छी है पूरा, मस्त है पूरा, एक्शन भी है पिक्चर, बहुत बहुत मस्त, एक्शन जबरदस्त है, हाँ हाँ रख डंकी का रिकॉर्ड टूटेगा, बहुत जबरदस्त, अच्छी लगी, एक्टिंग अच्छी है प्रभास की, तोड़ेगी शायद, अच्छा है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। सबसे बेस्ट पार्ट मूवी का प्रभास का एक्शन, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद, बहुत अलग है स्टोरी, बहुत डिफरेंट है और एक्शन बहुत ही नया देखने मिलेगा, अच्छा बहुत अच्छी थी, बहुत प्रभास एक्टर, मेन एक्टर, मेन एक्टर, 30 मिनट्स के बाद एंट्री हो रही है, 10 मिनट्स के अंदर एक्टर क्या एंट्री हो जानी चाहिए, एंड देन यू शुड डू 1 आवर 10 मिनट्स तक, मैंने इनफैक्ट घड़ी भी देखी थी, 1 आवर 10 मिनट्स तक कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है, अपनी माँ के वादे तक ये कर रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन। बाहुबली के बाद बोलते ना खाली उसको बाहुबली ले जाने का, बाहुबली 1 बाहुबली 2, साहू आदि पुरुष आई थी, पूरा ख़त्म कर दिया उसको, राधे श्याम देखो किसी ने कुछ, मतलब ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एक्टर हु कैन एंगेज गेस्ट, एंगेज योर पीपल, देखो अभी आज पूरा खाली शो पड़ा यार, so it's like, जो सोच के आया था वो नहीं मिला, बिकॉज आई केम फॉर द डायरेक्टर, आई डिडंट केम फॉर प्रभास, टू बी ऑनेस्ट आई केम फॉर प्रशांत नील, बट ओके स्क्रीन प्रेजेंस बहुत जबरदस्त गया आफ्टर लाइक आदि पुरुष के बाद, स्क्रीन बहुत सही गया स्क्रीन प्रेजेंस का बाहुबली के बाद, बट वो दमी नहीं लगा, बट इतना लंबा खींचने की जरूरत है नहीं, और दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस, इज ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे पार्ट टू क्लाइमेक्स में दिखाया कि पार्ट टू आने वाला है, भाई पहले तो चलने दो उसके बाद पार्ट टू बनाओ, दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, हर कोई राजामौली नहीं होता है, सो थोड़ा सोचना चाहिए, सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि पार्ट टू, मतलब आई डोंट नो, ये फर्स्ट पर चलेगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तब जाके पार्ट टू बन सकती है, तो अभी आई डोंट नो। एंड सेकंड चीज, श्रुति हसन क्या कर रही है, व्हाई हिंदी पिक्चर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक हिंदी बात, इंग्लिश बात करिए, नो व्हाट नॉनसेंस इज दिस मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा, प्रशांत नील आपकी राइटिंग इतनी स्ट्रांग है तो इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, हिंदी में लिखो ना यार, वो समझ में नहीं आया उसको, उसका फर्स्ट सीन उसको किडनैप कर देते, वो आती है क्यों आती है, 2-4 घंटे के बाद पता है वो क्यों आ रही है, आई डोंट नो बट दिस इज नॉनसेंस मैन। एंड माँ का रोल इतना दिखा स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली से माँ का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें कुछ दिखाया नहीं, जैसे KGF में कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था, इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाया नहीं, इतना अच्छा अच्छा मौके लोग वेस्ट करते थे, देन ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट इट। जैसी लगी मैं समझ में नहीं आई, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, फिल्म तो ओनली ये है कि दोस्ती के ऊपर फिल्म बनाई है, समझो ये इतना समझ में आया कि दोस्त के लिए दोस्त जान देता है, ये समझ में, ओनली वायलेंस। प्रशांत नील ने बनाया फिल्म तो हम तो KGF के जैसा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की उम्मीद रखे थे, इसी तरह फिल्म बनेगी, इसी तरह होगा, लेकिन फिल्म के अंदर भाई बाकी जो है ना इसके पीछे जो काम करने वाले ना उन लोग की मेहनत ज़्यादा लगी है, जो छोटे आर्टिस्ट जूनियर आर्टिस्ट इन लोग का काम अच्छा लगा है, क्योंकि उन लोगों ने जो मेकअप किया है, उन लोग जो एक्टिंग किया है वो सही है, लेकिन फिल्म के अंदर जो देखा जाए बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, और जो उसने वायलेंस बताया, जो जितना मतलब वायलेंस क्या है, एक्शन ही बताया और कुछ नहीं, ये फिल्म के अंदर स्टोरी, आपको किसी को भी पूछो स्टोरी क्या है स्टार्ट टू एंड, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ प्रशांत नील बता सकता है कि इसमें फिल्म में स्टोरी क्या है करके। और रही बात ये है कि प्रभास ने जो काम दिया भाई, वो शूट किया, काम किया, निकल गया, हाँ उसको अंदर का पीछे पूरी फिल्म में क्या है पता नहीं है। और पृथ्वीराज का भी वैसी है, पृथ्वीराज ने भी अच्छी एक्टिंग की है, जो एक्टर अच्छे का जिन्होंने किया काम है उसे वही सही काम किया है, और बाकी तो फिल्म के अंदर क्या बोल सकते भाई। ऑफ कोर्स प्रभास ही इज़ द मेन लीड, मैंने दोनों भी देखी है, तो मैं कहूँगा अगर जैसे कि यंग ऑडियंस ज़्यादा है, एक्शन लवर्स ज़्यादा है, तो वो सालार की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो सकता है, सालार जा सकती है, चांसेस ज़्यादा सालार को। 4 नहीं, अगर सच में बताऊँ तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कल मैंने डंकी भी देखा और आज मैं सलर भी देख लिया, लेकिन दोनों का अगर मैं ये देखूं तो मतलब इस फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाया है, बहुत मेहनत से प्रभास ने काम किया है, इसके पहले भी प्रभास की 2-3 फिल्में आई थी, ये नहीं कहूँगा कि चलो फ्लॉप गई आप लोग इसको देखिए, लेकिन ये फिल्म के लिए उसने मेहनत बहुत बेहतरीन की है, एक्शन बोलिए, मेहनत आप पूरी फिल्म में
और जितने भी हैं एक वो पृथ्वीराज है न्यू एक्टर, उनका भी काम अच्छा है, श्रुति का भी काम अच्छा है। पर मुझे तो लग रहा है कि वो बाहुबली टू बाहुबली जैसा एंडिंग इसमें दिखा दिया एकदम, मतलब अचानक एकदम, तो पब्लिक अभी पार्ट टू के लिए भी इंतजार करेगी एकदम। एक कन्फर्म एकदम बहुत बढ़िया है। और मैं लोगों से कहूँगा कि भाई एक बार देखिए, ये नहीं कि मेरे कहने से, आप देख के आइए फिर आप बताइएगा मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। पिक्चर बहुत अच्छी है, मजा आएगा। प्रभास सर मतलब रेबल स्टार, पावर स्टार, एक्शन स्टार, कोई चीज़ बाकी नहीं रखते, मजा आएगा। मूवी अच्छी थे, नहीं 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 केजीएफ का कनेक्ट पूरा अलग है, पूरा इसका अलग यूनिवर्स रहेगा। जैसे केजीएफ का कैसा पार्ट वन पार्ट टू अलग था, इसका भी पूरा अलग रहेगा। सौरंगा आएगा पार्ट टू सौरंगा, इसमें जो है ना इसमें अच्छा दिखाया कि बच्चों के साथ मूवी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एक्शन जो ऐसा है ना, हाथ काट डालते हैं, पैर काट डालते हैं, आउटस्टैंडिंग। ऐसा लग नहीं रहा कि वीएफएक्स का यूज़ किया हुआ है, ऐसा लगे रियल में हाथ। फेवरेट सीन इसमें यही है कि लास्ट में जो दोस्त एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ में फाइट करते हैं, वो मज़ा आ गया, वो अच्छा सीन था। साउथ में सलार चलेगी या अपने बॉलीवुड में डंकी चलेगी, लेकिन जो है ओवरसीज में है, ओवरसीज में सलार बाजी मार जाए। फोर स्टार, एक स्टार कम करना चाहूँगा श्रुति हसन के लिए, श्रुति हसन के लिए। अभी इसमें देखो अगर लोगों ने शुरू से देख रहेगी मूवी तो इसमें यश का भी नाम है, लेकिन यश का कुछ कैमियो या प्रेजेंस कुछ दिखाया नहीं गया। आई वॉज वेरी हैप्पी कि इसमें कुछ दिखाया नहीं, बिकॉज केजीएफ को लिंक मत करो यार, मैं वो नहीं चाहिए केजीएफ कुछ लिंक हो एंड सलार का दूसरा फर्स्ट पार्टी लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, सेकेंड देखना फिर थर्ड देखना फिर रॉकी आएगा, वो सब मत करो यार। केजीएफ को अलग से रखो एंड सलार को अलग से रखो, प्रभास को अलग से रखो, मैं तो बोल रहा हूँ मूवी में से तो बेटर हो जाएंगी। बट आई डोंट थिंक सो इसके अंदर केजीएफ घुसाने की जरूरत है, और जिस तरह से जो स्टोरी चल रही थी केजीएफ को अननेसेसरी बोल सकते हैं कि घुस गए, जैसे पठान और टाइगर घुस गए थे, फिर वॉर घुसेंगी, फिर वॉर टू आएंगी, वो सब चलता रहेगा। आई डोंट लाइक द स्टोरी एट ऑल, वो बहुत ज़्यादा वायलेंस बहुत ज़्यादा है, एक्शन सीन इतने सारे दिखाए गए बट इट्स वेरी गुड एक्शन सीन्स, बट ये स्टोरी नहीं है, लोग स्टोरी देखने आएंगे थोड़े एक्शन देखने आएंगे यार, वो बात है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, क्रिसमस का माहौल है तो। बट एक चीज़ बुरी लगी मुझे, आई एम हेट प्रभास, बट मुझे एक चीज़ बुरी लगी कि उसको स्क्रीन्स नहीं मिले, आफ्टर ऑल इस इंडियन सिनेमा, सो लाइक दोनों को स्क्रीन देनी चाहिए साथ में, भले ही वो या शाहरुख खान इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा स्टार, बट स्टिल 50-50% देनी चाहिए थी। एंड आई थिंक वो रीजन की वजह से आज खाली है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल स्क्रीन पे 7:00 8:00 के बाद ओपनिंग शुरू हुई थी, तो आई थिंक इसके लिए वो थोड़ा सा खाली हो गया। अभी अगर रिव्यूज़ खराब आएंगे तो आई डोंट थिंक सो क्रिसमस तक भी चल पाएंगे। मैं तो चाहूँ कि दोनों हिट हो यार, ऐसा कुछ नहीं यार, दोनों फ्लॉप हो डजेंट मैटर्स, बट ज़्यादा करके डंकी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज इट्स अ फैमिली एंटरटेनिंग मूवी, शाहरुख खान है इसमें तो ये सर्टिफिकेट भी है, सो यू कैन कम विथ फैमिली, सो डंकी फैमिली के साथ आ सकती है, तो वो एक है एंड क्रिसमस का माहौल है, सो दोनों चले दोनों ना चले, या तो ऐसे भी हो सकता 2018 में हुआ था जीरो और केजीएफ का, जीरो हार गई थी केजीएफ जीत गई थी, इस बार देखते हैं। सो जो भी है लेट्स सी हाउ इट गोस, लेट द ऑडियंस डिसाइड। जस्ट वन स्टार फॉर द मूवी, जस्ट फॉर द प्रशांत नील, फॉर द डायरेक्टर, इट्स नॉट अ पैसा वसूल मूवी। स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है दोनों का, बट इट्स लाइक टू लेट, एंड एक्टर को बहुत लेट किया गया, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे है बट इट्स लाइक वेरी स्लो मोशन सीन्स, ऊपर से पिक्चर पूरी काली और प्रभास सावला है, आई डोंट नो व्हाट टू से मोर। नहीं 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 केजीएफ के बाद, मैं केजीएफ भी देखा हूँ, लेकिन केजीएफ का जो अगर बोलेंगे आप एक्शन बोलिए या बनावट बोलिए, बैकड्रॉप पीछे का जो होता है या जो भी, उससे इससे मिलता जुलता कुछ नहीं है। अब क्या होता है, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, हम लोग तो हर फ्राइडे या कभी भी हफ्ते महीने में 4 बार आते रहते, तो पता चलता है ना कौन सी फिल्म कैसी बनी कौन सी नहीं बनी है, तो केजीएफ से इसका कुछ लेना देना नहीं है, न उसकी थोड़ी भी कॉपी नहीं है। बहुत अच्छी स्टोरी है पूरा, जो उसमें से पुराने समय से लेके दिखाया है कि 200-300-400 साल पहले का जो हुआ है उस हिसाब से लिया है, दिखाया है इसमें। जहाँ तक मेरी सोच मैं बता रहा हूँ, ये कर लेगा सलार, हाँ, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया है कि कुछ थिएटर भी ब्लॉक कर दिए हैं, जहाँ नहीं भी चल रही वहाँ भी वो डंकी वालों ने, शाहरुख हो या कोई भी हो, तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जहाँ 2 जगह रिलीज था 8 जगह की है, 4 जगह की है, इन लोग को ओपनिंग नहीं मिल पाई है सलर को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इनको एक हफ्ता पहले रिलीज करना चाहिए था, आपस में कॉम्प्रोमाइज, नुकसान तो दोनों का ही है, 1 रुपये में 8 आना बटेगा, या तो कहीं 12 आना जाएगा या तो 4 आना जाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपस में लोग, और फिल्म लाइन में बहुत चलता है पूरा, मैं 5 देना चाहता हूँ। जो सेट बड़े बड़े सेट है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बताता है, वो जो हम लोग 50-60 साल पहले के दिखता था, वो याद आती है, केजीएफ के बाद इसमें भी याद आई, लेकिन कैसा है कि इसमें जो सेट वही ऐसे वही लग रहा है, हाँ, जैसे जो खड्डे के अंदर खान है, कोयले खाने है, पता नहीं सोने ही खाने के में ऐसे ही है, लेकिन सेट तो उनके वही यूज़ हो रहे, समझो हमको ये दिख रहा है सेट, फर्स्ट केजीएफ, सेकंड केजीएफ और थर्ड केजीएफ, ये समझो ये वैसे सेट लग रहा है मुझे। नहीं कमबैक तो भाई, मैं कमबैक ऐसा बोलते हैं, रणवीर कपूर को बोलते हैं कमबैक,
बॉबी देओल को बोलते 18-20 साल के बाद कमबैक बोलते, और ये इसको कमबैक नहीं बोला सकता। मुझे तो समझ नहीं आया कि ये कमबैक है या नहीं है, लेकिन भाई वो तो आगे उसके नसीब, ऑडियंस क्या चाहती है। मैं तो एक ऑडियंस हूँ, मुझे समझ में आया मैंने बता दिया। अब अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग माइंड होता है। जो पढ़े लिखे ज़्यादा है उनको ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया स्टोरी क्या है। पैसा वसूल किया, वायलेंस देख लिया, उतना मिल गया, वही हुई बस वही। देखो भाई, मुझे जो चीज़ मैंने बता दिया, अब मैं खुश हूँ नहीं खुश हूँ अलग बात है, आपको समझ में आया होगा। जो अभी ये कोई देखेगा रिव्यू तो समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन ये है कि फैमिली के मतलब हम देख सके, हम एक लड़की के साथ में भी, वाइफ हो, बेटी हो, बहन हो, किसी के साथ में भी, गर्लफ्रेंड के साथ भी कोई कपल आगे बैठ नहीं सकता। मैं तो एक बात बताता हूँ, मैं शाहरुख खान साहब को सैल्यूट करूँगा, क्योंकि कल उन्होंने फिल्म रिलीज़ की थी और आज ये फिल्म रिलीज़ है। कल हमने वो भी फिल्म देखा है, उसका भी रिव्यू दिया था। सिर्फ वो है कि वो फिल्म ये ऐसी स्लो है, शाहरुख खान की फिल्म, और शाहरुख खान ने खुद के ऊपर जो एक्टिंग की है जो आखिरी आधे घंटे में, वो बहुत मतलब इससे लाख गुना अच्छी फिल्म है। अगर अभी कंपेयर करें, हम फिल्म देखने की बात बता रहे हैं, फिल्म देखने पहले हमको हवा थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऐसा लग रहा है यार वो फिल्म डंकी मेरे ख्याल से बेटर है। वायलेंस इसको छोड़ के, वायलेंस इसके अंदर ज़्यादा है, इसको वायलेंस छोड़ के फिल्म वो अच्छी है। बॉक्स ऑफिस के पास क्या है मुझे वो समझ में नहीं आता है, कौन कलेक्शन क्या करेगा। आज 1 करोड़ आया तो मुझे 100 करोड़ लिखते, 100 करोड़ आया तो 1000 करोड़ लिखते, उसका समझ नहीं आता, वो सच है झूठ मालूम नहीं है। लेकिन भाई मुझे जो पसंद आया, एक है कि फैमिली के साथ देख सकते हैं, डंकी स्टोरी अच्छी है, आराम से देखते हैं। फिल्म स्लो है लेकिन फिल्म देख सकते हैं, लेकिन बादशाह की एक्टिंग आप देख सकते हो उसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त। और बुड्ढे की एक्टिंग जो जवान में भी किया था उसी तरह एक्टिंग है ये। मैं तो कल उससे अपसेट था शाहरुख खान से, लेकिन आज ये फिल्म देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं वो फिल्म एक बार मैं देख सकूँ, शाहरुख खान की डंकी, बस यही है। सलार को मैं प्रशांत नील को तो क्या बोलूँ, तो बहुत बड़ा आदमी है, और जिसके पीछे जो बैक स्टेज पर जो काम किए, जो टेक्निकल उसके मेकअप मैन भी बहुत अच्छे हैं, उसने सेट बहुत अच्छा लगाया है, बैकग्राउंड स्कोर बाकी सब अच्छा है, सिर्फ स्टोरी नहीं है, बस यही है। स्टार क्या दूँ मैं इसको, मैं प्रभास के लिए सबके लिए मिला के 4 दे दूंगा मैं।